अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी, आज की वीडियो करते हैं शुरू। ये हैं जी चने जो हस्बैंड ने बनाने थे, बट वो रात को काफ़ी लेट आए तो फिर ये मैंने ही बना लिए थे। और अच्छा, ये पूरियाँ हैं बनी, ये फ्रोज़न पूरी लेकर आई थी मैं एक पैकेट इनका, तो देसी स्टोर से ही मैं लाई थी। तो आज मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको कि जी ये कैसी बनी थी, अच्छी बनी थी या नहीं बनी थी। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। ये जी मैं बना रही हूँ हलवा। पहले चने मैंने बना लिए थे और दूसरी तरफ हस्बैंड कर रहे हैं अपने लिए नान गरम, क्योंकि वो पूरी नहीं खाते, बच्चे खाते हैं शौक से, तो हस्बैंड मेरे नान के साथ खाएंगे। और जी ये मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने घी डाल के सूजी को भून लिया था अच्छी तरह, और फिर उसमें चीनी डाल दी थी और दूध डाल के थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने डाला है, और जी येलो फूड कलर डाला है। तो इसको अब मैं पका रही हूँ हल्के फ्लेम पे। और इधर मैंने जी कढ़ाई रख दी है ऑयल गरम करने के लिए। और ये पैकेट से ऐसे निकली हैं पूरियाँ, बटर पेपर लगा हुआ है इनमें और काफ़ी थिन है, और ये मेरे ख्याल है आटे की बनी हुई हैं। और जी ऑयल हो रहा है गरम। अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट्स करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और जी हलवा हो गया रेडी और हस्बैंड कर रहे हैं नाश्ता। उन्होंने थोड़ा सा हलवा लिया चने और नान के साथ खा रहे हैं वो। तो ये देखें जी, मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम कर लिया था और अब मैं इसमें ये पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ठीक थी, नॉट बैड, बट इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि ये फ्राई करते हुए इतनी ज़्यादा फूली नहीं थी। तो मैंने जो लास्ट टाइम बनाई थी तो बच्चे कहते हैं मम्मा वो ज़्यादा अच्छी बनी थी इनके निस्बत। खाने में टेस्ट में तो अच्छी थी, लेकिन ना जैसे फूली नहीं थी, जैसे हमें पूरियाँ वही अच्छी लगती हैं ना जो फूली फूली सी हों। तो ये मेरा ख्याल है आटे की बनी हुई थी, मैदा नहीं था, आटा था ये। तो बहरहाल मैंने फिर कर ली थी फ्राई, ये देखें कोई फूल गई थी कोई नहीं फूली थी। तो ठीक है जी, अगर आपका दिल नहीं करता आटा गूंदने को और वो पूरा प्रोसेस करने को, तो फिर तो ये अच्छी हैं, आप लाएं और बस फ्राई करें और खा लें, ठीक है ना। तो ये देखिए जी, ये वाली फूल गई है मैं कह रही ना कोई फूल गई थी कोई नहीं फूली थी। हम लोग जब एडमिंटन में रहते थे ना, तो उधर एक पैकेट मिलता था, उसमें 6 पूरियाँ होती थी और साथ में चनों का सालन बना हुआ होता था और थोड़ा सा साथ हलवा होता था। तो वो वाली पूरियाँ मैं बनाती थी, बच्चों को सुबह नाश्ते में देती थी बना के, वो बड़ी अच्छी सी फूल जाती थी। ये देखिए जी, सारी पूरियाँ हो गई हैं रेडी और बच्चे बैठे हुए टेबल पे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलें अब ये लेके चलते हैं टेबल पे। और जी ये देखें, नाश्ते की प्लेट हो गई है रेडी, हस्बैंड अपना नाश्ता ख़त्म कर चुके हैं, चाय अभी पक रही है तो वो हम बाद में। आज जी डिश वॉशर को भी साफ़ करना है, काफ़ी दिन हो गए इसकी मैंने सफाई नहीं हुई। तो पहले ये बर्तन निकाल लेती हूँ इसमें से, तो फिर हम इसको वॉश करने में लगा देंगे। आज मैं बर्तन ही रख रही इसमें, सिर्फ इसको खुद को वॉश करूँगी, काफ़ी दिन हो गए तो मैंने कहा आज फिर इसको साफ़ कर लेते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सफाई कैसे होती है। पहले तो इसको करते हैं खाली जल्दी से। ये देखें जी, मैंने डिश वॉशर को बिल्कुल खाली कर लिया है। ये जैसे यूज़ करते हैं तो इसको एक महीने में ये वॉश करना पड़ता है, वरना फिर बड़ी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है इसमें से। तो आज वो मैं करने लगी हूँ इसको। ये देखें जी, बिल्कुल खाली है, बर्तन मैंने निकाल लिए हैं सारे, तो इससे मैं इसको करूँगी साफ। ये एक बोतल एक दफ़ा में इस्तेमाल होती है ये जी। इस पर स्टिकर जो लगा होता है इसको उतारना पड़ेगा, एक मिनट में उतारती हूँ। ये देखें जी, ये रिमूव हो गया है, बस इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे नीचे वाले हिस्से में, इस साइड पे रख देती हूँ ऐसे। ये ऐसे रखा गया, और साथ ही मैं इसके वॉश करूँगी जी ये वाली जो मेरी जाली होती है, ये बड़ी ग्रीसी हो जाती है, तो मैं इसको निकालती हूँ। ये मैं इसके साथ रख दूँगी, ये धुल जाएगी फिर। ये देखें जी, ये मैंने निकाल ली है, ये भी साफ़ हो जाएगी और डिश वॉशर भी साफ़ हो जाएगा। तो इसको मैं रख दूँगी इधर, ठीक है। बस अब इसको कर देते हैं बंद।
और इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए जी, ये नॉर्मल ऑलरेडी ऑन है मेरा, तो पहले इसको लॉक करते हैं। ये देखिए लॉक हो गया, तो ये नॉर्मल मोड पे और ड्राई पे हाई हीट ड्राई करेगा इसको। और जी ये रहा स्टार्ट, अब इसको कर देते हैं स्टार्ट। और अब ये 2 घंटे बाद डिश वॉशर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मशीन को तो मैंने चला दिया है और इसको भी साफ़ किया है, ये बड़ा चिकना सा हो रहा था, आप देखें नीट एंड क्लीन हो गया। लाइट कर देते हैं बंद, आप देखें हो गया ना क्लीन। फिर जी मैंने निकाला, माल्टे कटिंग कर लिए बच्चों के लिए और मैंने अपने लिए जूस बनाया है। इतने ज़्यादा माल्टों का ये इतना सा निकला है छोटे छोटे से है ना माल्टे, लेकिन है रस के भरे हुए, इतना सा निकला है। ये वाले रखती हूँ साइड पे, बच्चों को ये देती हूँ। बाहर देखते हैं कैसा है वेदर। वेदर भी बड़ा ही प्यारा हुआ है, सूरज देखें, बाहर तो ठंड है लेकिन सूरज की जो तपिश है इसमें थोड़ी सी, ये देखें जी। और जी आज हस्बैंड गए हुए हैं कैलगरी और मैंने खाना भी नहीं बनाना क्योंकि वो उधर से लेकर आएंगे, बच्चों ने मंगवाया है वहाँ पे, है फैसल होटल के नाम से, वहाँ का कबाब बड़े मज़े के होते हैं, तो बच्चों ने फिर मंगवाए हैं कि पापा वो लेके आना हमारे लिए। अभी टाइम हो रहा है जी दोपहर का 1 बज रहा है, तो वो आ जाएंगे 3-4 बजे तक। अभी हमने इतना हैवी तो नाश्ता किया तो इसलिए फिर दोपहर का खाना उस वक्त ही खाएंगे। ये रहा मेरा जूस, बच्चे खा रहे हैं अपने माल्टे उधर। और ये मेरा छोटा सा पप्पू इधर बैठा हुआ है, मेरा छोटा सा बेबी, मम्मा की जान, मेरी छोटी सी जान इधर बैठी है। ये मेरी छोटा सा मत्तू, कहाँ खा रहे हो आप नया? ये क्या है, क्या खा रहे हो आप, मम्मा को तो बताओ। ओए होए मजे के, कैसा है? अच्छा बाबा किधर गए हैं नया? बाबा किधर गए हैं, किधर हैं? इधर तो देखो, मम्मा की तरफ तो देखो। 2 hours later, ये देखिए जी 2 घंटे हो गए हैं और अब इसको खोलते हैं। ये देखें इसमें से गरम गरम हीट निकल रही है अभी भी। और ये देखें जी नीट एंड क्लीन हो गया है डिश वॉशर, अभी 1 महीने तक ऐसे ही रहेगा सही। और ये जाली भी देख लें, ये भी साफ हो गई है। और डिश वॉशर भी क्लीन हो गया। ये देखें जी ये बोतल भी हो गई है खाली, इसके अंदर जो लिक्विड था वो सारा निकल गया है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे करते हैं एंड, और जी कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।